देख मेरे सामने भी आ गया यार, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये बोलते हुए, जिसको मतलब मेरे खुद के पेट डॉग ने मुझे काटा है। बेसिकली हम लोग ना, मैं और मेरा पेट डॉग, हम लोग वसूली भाई, हम लोग साथ में ही सोते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरा पैर उसके मुंह चला गया, जिसकी वजह से शायद वो डर गया, क्या हुआ, उसने काट लिया, तो बहुत ज़्यादा काट लिया, जिसकी वजह से पैर में अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। एंड आज सुबह ही ये इंसिडेंट हुआ, इट्स ओके, इट विल डेफिनेटली क्योर जल्दी से। आज जो अवार्ड मिला है आप दोनों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए और किस कैटेगरी में मिला है? मुझको मिला है बेस्ट फैशन आइकन, और मुझे मिला है बेस्ट एक्टर फॉर माय शो हीरो, एंड ही डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, क्योंकि आपको फैशन के लिए मिला है, कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं और आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं स्पेशली आपकी फैशन को लेकर? वेल, जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फैंस को जब मैं यू नो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लुक्स ट्राई करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है हमको। एंड सबसे फेवरेट लुक्स उनके होते हैं जो मैं ट्रेडिशनल वियर करता हूँ। जब भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें जो ट्रेडिशनल वियर करते हैं उसमें लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे। एंड जो मेरा एवरीडे का लुक होता है डेफिनेटली उसे भी लोग लाइक करते हैं। सो आई थिंक फैशन तो एक जगह है, बट आई थिंक लोग मेरी स्टाइल को पसंद करते हैं, उसके लिए आई एम रियली फैन। हाँ बॉस, हम लोग जब भी तैयार होते हैं दूसरे से पूछते हैं, भाई मैं क्या पहनूँ, मेरे लिए कुछ निकाल दे, ये पूछता दादा मैं क्या पहनूँ, तो पहनने के बाद पूछते भी कैसे लग रहे हैं, भी शेयर होते हैं, और बाल कैसे बनाए, इस आउटफिट में बाल कौन सा जाएगा। अवार्ड, आई थिंक ये जो अवार्ड हमें दिए जाते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनक्रेज करने के लिए दिए जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक सही दिशा पे जा रहे हैं, तभी हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये भी अवार्ड हम उसी तरह इसको लेते हैं जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है, बट अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जब तक हमें प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच। द सेम ऑफ कोर्स, मतलब जो जनता में प्यार देती है आप सबको, जो हमें इतना प्यार मिलता है उसको एक यू नो कन्वर्ट करके, एक इस चीज़ में से कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है ताकि आपको पता चले और हमें पता चले कि आपका प्यार हमें रिसीव हो गया और हमें उस कितना अच्छा लगा। तो दिस इज़ जस्ट अ आई वुड से यू नो सिंबल ऑफ लव दैट वी रिसीव फ्रॉम यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑफकोर्स जब अपकमिंग प्रोजेक्ट आते हैं तो आपको अपने आप पता चल ही जाता है। मैंने अपनी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो भी शूट शुरू कर दी है, बल्ला बल्ला, आज रिहर्सल है, कल शूट है, एंड मेरी पैर में चोट लग गई, लेट्स सी क्या होता है। अभी कल इसे डांस करना है पूरे दिन इस चोट के साथ, और बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट लेवल डांस है। अब ये चीज़ हो गई है, सो आई एम नाउ यू नो लिटिल नर्वस कि कैसे होगा। जी हाँ, जन्नत और मेरा गाना है, और गाने का नाम भी हमने अनाउंस कर दिया था बल्ला बल्ला, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मतलब फुल यू नो हार्डकोर डांस एंड पार्टी टाइप का सॉन्ग। अभी शुरू नहीं हुई है तो ऐसा कुछ बता नहीं सकता, बट हाँ हमने गाने के लिए बाकायदा अलग से एक सेट तैयार किया है और इसकी जो वाइब और फील है वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं तो नहीं करता क्योंकि रैमी नहीं था करने का, बट ये अभी ओटीटी वाला ना, नहीं मैं नहीं कर पाया, फॉलो ही नहीं कर पाया। सेम सेम सेम, अभी अभी तो हम लोग रोज सुबह से शाम रात तक शूट और अपने काम में लगे हुए। आजकल ऐसा भी हो गया ना कि सोशल मीडिया भी देखना होता है तो खुद की वीडियोस देख के और अपनी एक्टिंग भी रहता है तो हम लोग खुद इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाया, फॉलो नहीं कर पाया। आई हैव बीन वॉचिंग वेरी गुड गुड वेब सीरीज ऑल्सो, तो मैं वो सब देख रहा हूँ। अगर सच बताऊँ मैं ऐसे झूठे ओपिनियन या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा, लिटरली अगर मुझे कोई नॉलेज होता है इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मैं शायद कुछ सही बता पाता, बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है, बोल नहीं सकता। थैंक यू।